हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आयदक्ष। अभी एप्पल ने अक्टूबर इवेंट में उनके नए एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन लॉन्च करे, तो भी एयरपॉड्स की लाइनअप भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। अभी हमें एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन, एयरपॉड्स 3, एयरपॉड्स प्रो, ये तीनों एयरपॉड्स और एयरपॉड्स मैक्स भी मिलते हैं। तो आज के वीडियो में जो भी तीनों इन ईयर हेडफोन है, चाहे वो एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन हो, एयरपॉड्स प्रो हो या एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन हो, तीनों को कंपेयर करते हैं कौन से एयरपॉड्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। अभी तो दिवाली सेल में इनपे काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप भी मिलता है, तो आज के वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कौन से एयरपॉड्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं और आपके यूसेज के हिसाब से आपको कौन से एयरपॉड्स लेने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं सीधा वीडियो में। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन और एयरपॉड्स 3 को, जो कि काफी बड़ा एक कंपैरिजन है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन को, जो कि एक काफी छोटा कंपैरिजन है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी एयरपॉड लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी प्राइस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपके बजट के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करें एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन और एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन के बारे में, तो इनका जो सबसे मेजर चेंज है इन दोनों में वो है इन दोनों का डिजाइन। हमें एयरपॉड सेकंड जनरेशन जो पुराने सबसे फर्स्ट जनरेशन एयरपॉड्स आते हैं उसी की तरह मिलते हैं, तो हमें यहाँ एयरपॉड थर्ड जनरेशन का डिजाइन एयरपॉड प्रो जैसा मिलता है। एयरपॉड्स प्रो का डिजाइन है, लेकिन अगर आप एयरपॉड्स प्रो के ऊपर से सिलिकॉन के जो ईयर टिप्स होते हैं इनको आप निकाल दोगे तो ये एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन का ही डिजाइन हो गया। तो अगर हम बात करें इनके फीचर्स के बारे में, तो एयरपॉड्स 3 में हमें डॉल्बी एटमॉस विद स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुद मेरे एयरपॉड्स प्रो पे डॉल्बी एटमॉस यूज करता हूं और इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है एप्पल म्यूजिक जब आप यूज करते हो, तो जैसे कोई आवाज अगर आपके पीछे से आ रही है तो बैकग्राउंड नॉइज इतना ज्यादा अच्छा है, लेफ्ट टू राइट आपका साउंड ट्रैवल करता है, आपके हेड मूवमेंट के हिसाब से आपके एयरपॉड्स डिटेक्ट कर लेते हैं और उस हिसाब से आपको उसका साउंड ऐसा लगता है कि आप अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली उस मूवी के अंदर हो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलता है डॉल्बी एटमॉस का। तो ये जो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है ये हमें एयरपॉड्स 3 में मिलता है, एयरपॉड्स 2 में ये देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डायनामिक हेड ट्रैकिंग के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप अपना हेड लेफ्ट टर्न करोगे तो आपका साउंड लेफ्ट चला जाएगा, अगर आप हेड राइट टर्न करोगे तो आपका साउंड राइट चला जाएगा। डायनामिक हेड ट्रैकिंग का भी सपोर्ट हमें एयरपॉड्स 3 में ही मिलता है। तो अगर हम बात करें सेंसर्स के बारे में, तो एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन में हमें एक डुअल ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, तो आप जैसे अपने एयरपॉड्स को अपने कान में पहनते हो तो ऑटोमेटिक वो एयरपॉड्स ऑन हो जाते हैं, लेकिन हमें एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन में स्किन डिटेक्शन सेंसर मिलता है, तो आप जैसे अपने एयरपॉड्स को अपने कान में पहन लोगे वो ऑटोमेटिक और फास्ट अच्छी तरीके से डिटेक्ट करेंगे और जो ऑटोमेटिक प्ले पॉज होता है वो और भी ज्यादा बेटर होगा एयरपॉड्स जनरेशन में। अगर हम बात करें माइक्रोफोन्स के सेक्शन में, तो हमें दोनों ही एयरपॉड्स में डुअल माइक्रोफोन सपोर्ट देखने को मिलता है, चाहे वो एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन हो या एयरपॉड्स 3 हो। अगर हम बात करें इनके प्रोसेसर के बारे में, तो आप बोलोगे यार ये फोन थोड़ी है जो उसमें प्रोसेसर होगा, लेकिन एप्पल के हर एक डिवाइस में उनका खुद का एक सिलिकॉन प्रोसेसर होता है। उसी तरीके से हमें एप्पल का H1 चिप देखने को मिलता है सारे ही एयरपॉड्स में, चाहे वो एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन हो, एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन हो या एयरपॉड्स प्रो हो। तो H1 चिप से जो आपका जो ऑटोमेटिक डिवाइस स्विचिंग, उसी तरीके से जो एक सिंगल पेयर ऑफ एयरपॉड्स है, चाहे आप एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन ले लो, एयरपॉड्स प्रो ले लो, एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन ले लो, आपको सारे एयरपॉड्स में सपोर्ट मिलता है ऑटोमेटिक डिवाइस स्विचिंग, जो एप्पल की इकोसिस्टम में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। आपके एक सिंगल पेयर ऑफ एयरपॉड्स आपके सारे एप्पल डिवाइस पे सिंगल टाइम पे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें अगली चीज के बारे में, जो है इसके कंट्रोल्स, तो यहाँ एक अच्छा सा मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि हमें एयरपॉड सेकंड जनरेशन में टैप वाला फीचर मिलता है। मैंने एयरपॉड सेकंड जनरेशन पिछले 2 साल से यूज किए हैं, तो उसमें जो टैप वाला फंक्शन है वो इतना ज्यादा फीजिबल नहीं है, कभी कभी टैप इतने अच्छे तरीके से एयरपॉड रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आपके एयरपॉड गिर जाते हैं कभी कभी अगर आपने अच्छे से टैप वगैरह नहीं किया, तो वो थोड़ा एक मुझे तो इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा। लेकिन अगर हम बात करें एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन में, तो यहाँ हमें स्टेम के अंदर मिलता है एक हैप्टिक प्रेशर सेंसिटिव बटन, जिसको आप अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको एक क्लिक का आपको एयरपॉड्स में साउंड सुनाई देगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली कोई बटन प्रेस कर रहे हो। अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो आपका कंटेंट प्ले या पॉज हो जाएगा, 2 बार प्रेस करोगे तो म्यूजिक फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो जाएगा, 3 बार प्रेस करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक को स्किप हो जाएगा, और अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो आपका सीडी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये चीज हमें यहाँ ओनली डबल टैप के फीचर्स मिलते हैं इन एयरपॉड सेकंड जनरेशन में। तो फीचर्स के मामले में एयरपॉड थर्ड जनरेशन में एप्पल ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करे हैं। अगर हम बात करें अगली चीज के बारे में, जो है हे सीरी सपोर्ट, हमें दोनों ही ईयरफोन्स में हे सीरी का सपोर्ट मिलता है, चाहे वो एयरपॉड्स 2 हो या एयरपॉड्स 3 हो, जो एक काफी अच्छी चीज है। हमें एयरपॉड्स फर्स्ट जनरेशन में वो नहीं मिलता था, लेकिन अभी एप्पल ने एयरपॉड्स 2 में हे सीरी का सपोर्ट ऐड किया है। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन में हमें 5 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिलता है एक सिंगल चार्ज पे, वहीं हमें एयरपॉड्स 3 में 6 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिलता है एक सिंगल चार्ज पे। 6 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम अगर आप डॉल्बी एटमॉस और स्पेशल ऑडियो में गाना सुन रहे हो तो वो उसके साथ इंक्लूडेड है, तो एक तरीके से बैटरी लाइफ हमें काफी ज्यादा अच्छी
मिली। ये मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप एयरपोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली अपने कान में पहन के रख रहे हो, आप बार बार उन्हें केस में नहीं डाल रहे हो, लेकिन आप अगर केस से उन्हें बार बार रिचार्ज करोगे तो आपको एयरपोर्ट्स सेकंड जनरेशन में 24 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिलेगा और आपको एयरपोर्ट्स 3 में 30 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिलेगा। तो एप्पल ने यहाँ बैटरी लाइफ में भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे हैं एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन में। और यहाँ हमें एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप अपने एयरपोर्ट्स को 5 मिनट्स के लिए चार्ज करोगे तो आपको वो 1 आवर की लिसनिंग टाइम देगा, जो कि एक काफी कन्वीनियंट चीज है। अगर हम बात करें स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो हमें एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट थर्ड जनरेशन में हम लोग को स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट IPX4 रेटिंग भी मिलती है। अगर हम बात करें इसके केस के बारे में, तो हमें एयरपोर्ट्स 2 में एक नॉर्मल केस मिलता है जो वायरलेसली चार्ज नहीं होता है, लेकिन अभी हमें एयरपोर्ट थर्ड जनरेशन में एक मैगसेफ एनेबल्ड बैटरी केस मिलता है। पहले जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियोस में बताया था, आप अपने आईफोन का जो मैगसेफ चार्जर होता है वो ऑटोमेटिक आईफोन के पीछे मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, वो चीज एयरपोर्ट के साथ नहीं थी, आपको एयरपोर्ट्स को उसके ऊपर रखना पड़ता था तभी वो चार्ज होता था, लेकिन अभी हमें एयरपोर्ट्स के केस में भी मैगसेफ की टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मिल चुकी है। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो एयरपोर्ट्स 2 और एयरपोर्ट्स 3 एयरपोर्ट्स प्रो तीनों ही आपके लाइटनिंग केबल से चार्ज होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स 2 में आपको एक यूएसबी टाइप ए टू लाइटनिंग केबल मिलती है, वहीं आपको एयरपोर्ट्स प्रो में यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल मिलती है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अडैप्टर कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसी सिंगल केबल से आपके एयरपोर्ट्स और आपके आईफोन एक साथ चार्ज कर सकते हो। अगर हम बात करें पर्सनलाइजेशन के बारे में, तो एयरपोर्ट्स 2 और एयरपोर्ट्स 3 आप दोनों पे अपना नाम, अपना फेवरेट इमोजी, अपना फेवरेट सिंबल वगैरह डाल सकते हो। तो वैसे हमने कंपैरिजन कर लिया एयरपोर्ट्स 2 और एयरपोर्ट्स 3 का, अब कंपेयर करते हैं एयरपोर्ट्स 3 और एयरपोर्ट्स प्रो को। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम पे पूछा था कि यार हमें एयरपोर्ट्स प्रो लेने चाहिए एयरपोर्ट्स 3 लेने चाहिए, क्योंकि दोनों का प्राइस अभी ऑलमोस्ट सेम ही है। दिवाली के सेल में हमें एयरपोर्ट्स प्रो अराउंड 18,000 के मिलते हैं, वहीं हमें एयरपोर्ट्स 3 18,500 रुपीस के मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो एयरपोर्ट्स 3 और एयरपोर्ट्स प्रो में ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एयरपोर्ट्स प्रो और एयरपोर्ट्स 3 का डिजाइन एकदम सेम है। अगर आप सिलिकॉन ईयर टिप्स हटा दो एयरपोर्ट्स प्रो से, तो उनका डिजाइन एकदम सिमिलर होगा एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन के जैसा। तो सिलिकॉन ईयर टिप्स का यहाँ काम यही है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड को एनेबल करना। और ये जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हमें एयरपोर्ट्स प्रो में मिलता है वो बहुत ज्यादा काम का, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, फ्लाइट वगैरह में एयरपोर्ट्स को यूज कर रहे हो, जहां आपको जो एक्स्ट्रा नॉइज है वो आपको कटआउट करना है, तो एयरपोर्ट्स प्रो का नॉइस कैंसिलेशन आज तक के मैंने जितने भी सारे ईयरफोन यूज किए हैं, हेडफोन यूज किए हैं, उन सब में से एयरपोर्ट्स प्रो से बेस्ट का नॉइज कैंसिलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे कहीं भी नहीं लगा है। तो यही एक सबसे मेजर डिफरेंस है एयरपोर्ट्स प्रो और एयरपोर्ट्स 3 में। तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस और है, जो है बैटरी लाइफ। हमें एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन में, क्योंकि यहाँ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है, इस वजह से बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा मिलती है एयरपोर्ट्स 3 में, जहां हमें 6 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज, वहीं हमें एयरपोर्ट्स प्रो में 4.5 आवर्स का लिसनिंग टाइम मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज। अगर आप अपने केस के साथ एयरपोर्ट्स को यूज कर रहे हो एयरपोर्ट्स प्रो को, तो आपको ये अप टू 24 आवर का लिसनिंग टाइम देगा, लेकिन अगर आप अपने एयरपोर्ट्स 3 को अपने केस के साथ यूज कर रहे हो, तो ये आपको अप टू 30 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम देगा। तो एयरपोर्ट्स 3 का डेफिनेटली यहाँ सारे एयरपोर्ट्स से बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गाइस हम आते हैं एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि आपको कौन से एयरपोर्ट्स लेने चाहिए, एयरपोर्ट्स 2, एयरपोर्ट्स 3 या एयरपोर्ट्स प्रो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन के बारे में, तो अगर आप एक डेली यूसेज के लिए देख रहे हो, जहां आपको नॉर्मल कॉल्स वगैरह रिसीव करने हैं, मूवीज वगैरह देखनी है या नॉर्मल सॉन्ग वगैरह सुनना है, आपको डॉल्बी एटमॉस वगैरह का इतना यूसेज नहीं है, आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं चाहिए, तो एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन हमें काफी अच्छे प्राइस पे अराउंड 10,000 रुपीस के हमें एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन मिल रहे हैं, जो आपके एप्पल के इकोसिस्टम में भी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे। अगर आप मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस यूज करते हो और आपका बजट अगर अप टू 10,000 है, तो एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। अगर आपका बजट अराउंड 18,000 रुपीस है, तो यहां हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स 3 और एयरपोर्ट्स प्रो। तो एयरपोर्ट्स प्रो में जैसा मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक फीचर जो कि एक एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वगैरह का यूज है, आपको अगर ANC चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मोड चाहिए, तो आप एयरपोर्ट्स प्रो के लिए जा सकते हो, क्योंकि कोई कोई लोगों को इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। जब वो सिलिकॉन का ईयर टेप आपके कान के अंदर फिट होता है, तो अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसके लिए अगर आप बहुत लंबे समय के लिए किसी चीज को यूज करना चाह रहे हो, जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट्स, मैं जब एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन यूज करता था, तो मैं ऑलमोस्ट 4-5 घंटे इनको पहने रखता था, मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरे ईयर में कुछ मैं ईयरफोन्स पहने रखा है। उसी तरीके से यही सेम चीज है एयरपोर्ट थर्ड जनरेशन में, एकदम कंफर्टेबल फिट है, कोई भी आपके इन ईयर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आप उसे लॉन्गर समय के लिए पहन के रख सकते हो। वहीं एयरपोर्ट्स प्रो को आप ज्यादा टाइम तक पहन के नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें जो सिलिकॉन ईयर टिप्स है वो आपके कान में एक प्रेशर सा बना देता है, जो कि आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हेडेक भी देता है। अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है और आपको स्पेशल ऑडियो वगैरह का मजा लेना है, तो आप एयरपोर्ट थर्ड जनरेशन के साथ जाना एकदम बहुत अच्छे अच्छे चीज है, क्योंकि हमें यहाँ डिजाइन इंप्रूव मिलता है और बैटरी लाइफ भी हमें बहुत अच्छी मिलती है, मैगसेफ का केस मिलता है। उसी तरीके से अगर आप एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के हेडफोन्स को देख रहे थे, तो एयरपोड्स प्रो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि अराउंड 18,000 रुपीस के दोनों का सेम ही प्राइस है, तो हमें एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है एयरपोड्स प्रो में।
तो मेरे लिए तो ANC मोड काफी ज्यादा यूजफुल है, तो मैं तो डेफिनेटली एयरपॉड्स प्रो को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आपको ANC का ज्यादा यूसेज नहीं है, आपको स्पेशल ऑडियो का एंजॉय करना है और बाकी चीजें चाहिए, तो आप एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन के लिए जा सकते हो। आई होप गाइस मैंने आपके सारे डाउट्स को एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको कौन से एयरपॉड लेने चाहिए, 2, 3 या प्रो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं आपके हर एक सवाल का एकदम पर्सनली अच्छी तरीके से जवाब दूंगा और आपको हेल्प करूंगा एकदम परफेक्ट ईयरफोन्स लेने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एप्पल के रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए हिंदी में चैनल पे लेके आता हूं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।